मध्य प्रदेश कैबिनेट की स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री विजयलक्ष्मी साधौ अपने दो दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंची। यहां पर उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों से मुलाकात की तथा तमाम मेडिकल कॉलेजों का भ्रमण किया। और अंदर मिल भी नहीं पाया। देखिए, पुरानी सरकार ने हेल्थ कॉर्पोरेशन ने एक बनाया था, हेल्थ कॉर्पोरेशन के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की जो सेवाएं सीएससी पीएससी और वो मेडिकल एजुकेशन से जुड़े अस्पताल हैं और आयुष से जुड़े अस्पताल हैं जो आयुर्वेद होम्योपैथी को रिडानी है, इन सबका मिला जुला कॉर्पोरेशन हेल्थ कॉर्पोरेशन बनाया था कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री से चलता है उसके अंतर्गत रिक्वायरमेंट के आधार पर दवाइयाँ उपलब्ध होती है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि हमारी दवाइयाँ कुछ अलग किस्म की होती हैं और जो हेल्थ मिनिस्ट्री की दवाइयाँ हैं, जो सीएससी पीएससी की दवाइयाँ, वहाँ सर्दी जुकाम छोटी छोटी बीमारियों की होती हैं और मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड अस्पतालों की दवाइयाँ वो हाई उसकी होती है, हाई डोजेस की या हाई क्वालिटी की। क्वालिटी तो वहाँ भी देते हैं, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा ऊपर हट के होती है। ऑपरेशन की दवाइयाँ होंगी, बड़ी बीमारी की दवाइयाँ होंगी, तो वो रिक्वायरमेंट देने के बाद वो फुलफिल नहीं होती थी। तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो हमारे मेडिकल कॉलेज के, इनके डॉक्टरों को आई थिंक 20% उनको बाहर से दवाइयाँ वो लोग ले सकते हैं, उनको अधिकार है। और एचओडी को भी 5 या 10 में, बहुत ज़्यादा भी क्लियर नहीं हो, 5-10% उसको भी बाहर से दवाई ले सकता है, ये अधिकार है। लेकिन कई, आप सही कह रहे हैं, कई जगहों पर ज़्यादा दवाइयाँ उन्होंने ले ली। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हुए कि आप अपने विभाग का मेडिकल एजुकेशन का कॉर्पोरेशन अलग बनाओ ताकि ये व्यवस्था में सुधार आ सके, तो उस पर हमारी कार्रवाई चल रही है। जो भी कमियां पहले चल रही थी तो पुरानी सरकार द्वारा, बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरे पास संस्कृति भी है और स्वास्थ्य भी है, तो प्रदेश का स्वास्थ्य भी बिगड़ा हुआ है, संस्कृति का स्वास्थ्य भी बिगड़ा है, तो दोनों को मिला जुला करने के प्रयास कर रही हूँ। बिल्कुल, अब सही कह रहे हैं कि इस तरह की व्यवस्था है, न केवल यहाँ पर, मध्य प्रदेश में है। जो मेडिकल एथिक होता है कि उनको करना चाहिए गरीबों की सेवा, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा रही है, उसको सुधार कर रहे हैं हम लोग। कौन सा महाविद्यालय? आयुर्वेद, हाँ, उसको भी मैं मीटिंग ले रही हूँ आज 3 बजे, वहाँ भी मेरी मीटिंग है जनरल बॉडी की। सुपर स्पेशलिटी के वाकई आपके रीवा में बहुत मुश्किलें हो रही है, पहले भी मुश्किलें आती थी, अभी भी आ रही हैं, कि जितने सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर जो बहुत ज़्यादा अच्छे आने चाहिए, कि माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी का कहना है कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और क्वालिटी देना है, क्योंकि प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य का मामला है। तो हम कोशिश और प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी डॉक्टर आपके रीवा में नहीं आ रहे हैं, उसके लिए मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही एक थोड़ा सा चेंज किया है, कि पहले कोई डॉक्टर अगर नियुक्त हो जाता था तो अगर वो छोड़ के जाता था तो उसको कम से कम 1 साल की सैलरी वापस डिपॉजिट करनी पड़ती थी विभाग में, उसको मैंने कम करके 6 महीने कर दिया है, कि भई अब कहीं ना कहीं बंधन तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर आते हैं फिर चले जाते हैं, तो उसको हमने 6 महीने का कर दिया है कि अगर उसको जाना है तो 6 महीने सैलरी जमा करके फिर जाए, ये व्यवस्था के। तो सुधार कर रहे हैं हम लोग, और जैसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ देगी कि उस अनुरूप हम लोग सुधार करेंगे। मंत्री अगर कहीं जाता है तो उसका कोई उद्देश्य होता है क्या? प्रदेश की जनता ने हमारी सरकार बनाई है और हमसे अपेक्षाएं की है, और अपेक्षा की है तो कहीं जाना का प्रोग्राम अगर बनता है तो कोई उद्देश्य नहीं होता है, जनता की सेवा के लिए जाते हैं। और यहाँ अगर मैं आई हूँ तो मेरा मेडिकल कॉलेज और आयुर्वेदिक कॉलेज जो मेरे विभाग से संबंधित है, उसकी जनरल बॉडी की मीटिंग लेने आई हूँ। देखिए क्या होता है कि मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पताल, कहीं 700 बेड हैं, कहीं 1000 बेड हैं, कोई 1500 बेड हैं, कोई तो यहाँ क्या ओवरबर्डन होता है, गरीब तबका जो हमारा है वो स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए इन सरकारी अस्पतालों में आता है। सबसे बेहतर सुविधाएं और बेहतर डॉक्टर इन गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पतालों में मिलते हैं। लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, मैं नहीं कहती कि प्राइवेट हॉस्पिटल ख़राब हैं, जिस तरह से मॉल में एक बहुत अच्छा
सजी सजाई दुकान होती है, अंदर कुछ भी हो, उसी तरह की कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं होती हैं। जब पेशेंट वहां पर बहुत ज़्यादा हालत में आ जाता है तो उसको शिफ्ट कर देते हैं सरकारी अस्पताल में। उन परिस्थितियों में सरकारी अस्पतालों में कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में थोड़ा व्यवधान आ जाता है, गड़बड़ा जाती है, तो एक दो अगर केस ऐसे हो जाते हैं तो वो समाज के अंदर बहुत बड़ा रूप ले लेती है। मैं मानती हूँ कि व्यवस्थाओं में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि आपके अस्पताल में कम से कम 2.5 से 3 हज़ार पेशेंट रोज आएंगे ओपीडी के, तो थोड़ी सी चरमरा जाएंगी व्यवस्थाएँ, लेकिन उसको हम सुधार रहे हैं, क्योंकि फैकल्टीज हमारे सुपर स्पेशलिस्ट के यहाँ पर कोर्सेज आ रहे हैं, उसके लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है और नए डॉक्टर्स आएंगे, नया पैरामेडिकल स्टाफ आएगा, नर्सिंग स्टाफ आएगा, तो व्यवस्थाओं में बेहतर सुधार आएगा। और आपको जानकारी में ये ला दूँ कि 2002 में जब मैं मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर थी तो संजय गांधी इंस्टीट्यूट मैंने शुरू किया था, क्योंकि बहुत पहले जब उस टाइम गवर्नमेंट जो भी रही हो उस टाइम बड़ा बिल्डिंग तो बहुत मध्य प्रदेश में सबसे बेस्ट बिल्डिंग था और इक्विपमेंट भी थे वहाँ पर, लेकिन वो सब डम थे, चूहें कुतर गए थे वो। तो मैंने जब देखा, इसी तरह की मैं मीटिंग लेने आई थी, पूरा घूम के देखा और उसको इंस्टॉल किया, बड़ी बड़ी मशीनों को इंस्टॉल करके माननीय हमारी अध्यक्षा आदरणीय सोनिया जी के माध्यम से उसको शुभारंभ करवाया और शुरुआत की। तो मैं इस तरह के काम करती रहती हूँ कि जहाँ व्यवस्थाओं में असुविधा हो वहाँ सुधारने की।